खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां स्कूटी और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और स्कूटी सवार युवक मौके से फरार हो गया। इस दौरान घायल युवक आधा घंटे तक सड़क पर लहूलुहान अवस्था में तड़पता रहा, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को CHC गोवर्धन में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्रथम उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर करा दिया गया। दरअसल गुरुवार को अशोक निवासी भरतपुर राजस्थान गोवर्धन से गिरिराज की परिक्रमा लगाकर घर वापस लौट रहा था, तभी पेंठा गांव के समीप स्कूटी सवार युवक ने अशोक की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि स्कूटी सवार स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गोवर्धन CHC में भर्ती कराया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। एक्सीडेंट आमी सामी किस जगह हुआ? ए लुटेरा रे। कितने लोग घायल हुए दादा? घायल दो ही हैं, दोनों गाड़ी वाले, दोनों मोटरसाइकिल वाले। पुलिस आ गई? पुलिस अभी नहीं आई। सूचना कर दी पुलिस के लिए? कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट को? करीब 20 मिनट। मामला ये है, मुझे तो एक्सीडेंट होते हुए मिला है। ये देखो पुलिस घूम रही है, इधर से उधर घूम रही है, तमाम घूम रही है, रास्ते में तो मिलाओगे तमाम पुलिस वाले मिलेंगे आपको, तमाम गाड़ी मिलेंगी। अब ये 10-15 मिनट से पड़ा हुआ है एक्सीडेंट में, मरीज पड़ा हुआ, कोई देखभाल वाला नहीं है। कितने टाइम पुलिस कितने टाइम बाद आई? पुलिस आई आधे घंटे बाद। पुलिस उसका खून बह रहा है, जैसे गली की चल रही हो, खून की किसी ने कुछ कुछ छुरी चक्कू मारी हो, इस तरीके से खून चल रहा है। इससे बढ़िया तो मैं ये करूँ, BJP के राज में कोई सुनवाई नहीं है, इससे बढ़िया सभा सरकार है। पुलिस विभाग द्वारा एक मरीज को लाया गया, जिसका नाम अशोक है, पिताजी का नाम कलुआ है, भरतपुर के निवासी है। उनको यहाँ पे लाया गया था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ बताया गया है। उनका प्राथमिक उपचार हमारी टीम द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है, तत्पश्चात उनको संदर्भित कर दिया गया है विशेषज्ञ चिकित्सक राय हेतु जिला चिकित्सालय मथुरा। और कैसी कंडीशन है उसकी वर्तमान में? तो मरीज अनकॉन्शियस था, जो उनके वाइटल्स वगैरह पाए गए थे वो वाइटल्स वगैरह पुअर थे, परंतु हमारे टीम द्वारा यहाँ पे प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक दवा द्वारा उनका प्राथमिक उपचार कर उनको संदर्भित कर दिया गया। उसके परिजन वगैरह कोई आए हैं यहाँ? नहीं आए। यहाँ पे पुलिस द्वारा ये मरीज को लाया गया, पुलिस विभाग का ही एक कर्मचारी 108 में मरीज के साथ में हमारी एम्बुलेंस से गया। CHC प्रभारी डॉक्टर VS सिसोदिया ने बताया कि घायल युवक भरतपुर का रहने वाला है। बाइक सवार युवक परिक्रमा लगाकर घर लौट रहा था, इलाज के लिए इसे पुलिस लेकर आई है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।